अयोध्या के साथ अन्याय हुआ। महोदय, जब मैं अन्याय की बात करता हूं तो हमें 5000 वर्ष पुरानी बात भी याद आने लगती है। उस समय पांडवों के साथ भी अन्याय हुआ था, और उस समय कृष्ण गए थे कौरवों के पास। उन्होंने कहा था, बस दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर 80 न उठाएंगे। लेकिन दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। यहां तक कि उसने भी भगवान श्री कृष्ण को बंधक बनाने का कुछ प्रयास किया, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था साध्य साधने चला। यही तो हुआ था अयोध्या के साथ, और यही हुआ काशी के साथ, और यही हुआ था मथुरा के साथ भी। हमने यही तो कहा, उस समय 5 गांव मांगे थे। भाई भगवान कृष्ण ने तो पहले कहा, जब वो समझौता कराने के लिए गए थे, महाभारत का युद्ध टालने के लिए गए थे, कि भी देना हो तो आधा दो, लेकिन इसमें भी यदि बाधा है तो दे दो केवल 5 ग्राम। लेकिन वो 5 गांव, लेकिन यहां तो इस समाज सैकड़ों वर्षों से यहां की आस्था केवल 3 के लिए बात कर रही है। एक बहुत ही गंभीर भाव से, एक बहुत ही ठहराव से एक भाषणबाजी होती है, चुनावी भाषणबाजी होती है, जिसको हम लोग रेटोरिक बोलते हैं। पर एक ठहराव से और एक गंभीरता से जो विधानसभा में माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अपनी बात रखी है अयोध्या मथुरा काशी को लेकर, उसका एक एक शब्द सुनने के बाद जिसको बोलते हैं रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जो उनका उनका ठहराव, उनके ठहराव में एक प्रार्थना, उनके ठहराव में एक चेतावनी, उनके ठहराव में एक दर्द देख सकता है, और भविष्य देखने की अगर उसमें बाल बराबर भी कुवत है, इल्म है कि क्या भविष्य कैसा हो सकता है, इससे ज्यादा गंभीर तरीके से और ठहराव के साथ ये सुझाव, ये प्रार्थना, ये चेतावनी, इससे पहले इस विषय पर मैंने किसी प्रमुख नेता से के मुंह से भाषणबाजी चुनाव में इधर उधर सुनी थी, लेकिन इस तरीके से विधानसभा में मैंने पहली बार सुनी।